नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वॉलेटिलिटी पूरे दिन में बनी रही है। आज के सेशन में निफ्टी ऊपर हाई दिखा के तुरंत गिर गया। शुरुआती 15 मिनट में एक रिकवरी आई, रिकवरी में अटेम्प्ट आया और फिर से एक बार 20,040 तक के हाई लगे। फिर बाजार गिरा 19,950 तक और अगेन 20,000 पे बाजार पहुंचता हुआ दिख रहा है आपके लिए इस समय निफ्टी लेवल्स पे। बट बुरी बात यह कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में कोई खास रिकवरी अभी देखने को मिल नहीं रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी फर्स्ट जब रिकवरी आई थी तो निफ्टी के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप भी रिकवर हुए थे। मिड कैप की बात की जाए 1200 पॉइंट गिरकर 400 पॉइंट की रिकवरी आई, 800 पॉइंट नीचे रह गया था। स्मॉल कैप जो 4% टूटे थे वो केवल 2% रह गए थे, 2% की रिकवरी आ गई। लेकिन सेकंड हाफ में दोबारा से टूट गए मिड कैप और स्मॉल कैप एंड इस समय मिड कैप लगभग 1160 पॉइंट नीचे है, स्मॉल कैप लगभग 450 पॉइंट्स नीचे है, यानी कि 3.5%। लेकिन निफ्टी अच्छी बात यह कि 20,000 के ऊपर है, यानी कि लार्ज कैप्स में रिकवरी बन रही है, लार्ज कैप सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। एक और अपडेट देना चाहता हूं आप सभी को। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी सरकार का एक बड़ा फैसला और स्टॉक्स क्रैश, जहां पे 10% टैक्स बढ़ाने की बात नितिन गडकरी जी ने कही थी डीजल गाड़ी पे, और उस पर रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा तंगा रहा आप सभी का। मतलब लोगों को समझ में नहीं आया क्या हो गया। एंड एट द एंड जब वीडियो पोस्ट होगी उसके 10 मिनट बाद एक और अपडेट आती है नितिन गडकरी साहब की तरफ से कि ये जो टैक्स बढ़ाने की है ये एकदम अभी ऐसा नहीं है कि आज ही बढ़ जाएगा या कल ही बढ़ जाएगा, ये इस तरीके का है बट लॉन्ग टर्म विचार है, अभी का नहीं है। उसके बाद आपने देखा होगा ऑटो सेक्टर में स्टॉक में रिवाइव भी आया है। जो M&M 4% टूटा था वो 2.5% नीचे है अभी। एक्जैक्टली और एक बार अपडेट देता हूं क्योंकि आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। हालांकि लास्ट वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि इसकी वजह से गिर जरूर रहे हैं शेयर, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा, तो आप टेंशन फ्री बने रह सकते हैं। इनफैक्ट चाहे M&M हो चाहे मारुति हो, आप बायो डिप्स करिए। देखिए अब तो M&M पूरा रिकवर कर गया है, एक समय में जो 4% नीचे था वो 2.25% रह गया है, 2% भी नहीं रह गया। तो ये एक रिकवरी का जो विषय है वो इसीलिए है क्योंकि नितिन गडकरी जी ने कहा है कि आज मैं FM से मिल तो रहा हूं, यानी निर्मला सीतारमन जी से आज हमारी मीटिंग तो है, बट ये टैक्स बढ़ोतरी को लेकर नहीं है, नॉर्मल मीटिंग है। ये अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब आ जाते हैं अभी की वीडियो पे। अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रुप, हो क्या रहा है एक्चुअली में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना जानना। देखिए एक्चुअली में अदानी के लिए कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेबी पे बड़ा एक्शन हो गया है। क्या हुआ है वो समझिए पूरा का पूरा। देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है, नॉर्मल है, सेबी सरपास्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड स्लैप्ड ओवर DRI इंफॉर्मेशन ऑन स्टॉक मैनिपुलेशन बाय अदानी, पेटिशनर टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को पेटिशनर ने बोला है कि जो सेबी है ना वो अदानी ग्रुप का फेवर ले रहा है। कुछ चीजें हैं जो नहीं बताई जा रही हैं, मतलब छिप गई हैं, जो समझ में नहीं आ रही हैं, और इसी के चलते आज पूरा का पूरा अदानी ग्रुप भी टूटा है। एक साथ आप कह सकते हो तीन चार चीजें खराब हो गई आज। पहले अदानी ग्रुप की खबर खराब, अदानी ग्रुप तो जब बाजार शुरुआत के 2-4 मिनट ऊपर भी गया तब भी नीचे था, आपने नोटिस कराओ तो। उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप में अचानक से एक प्रॉफिट बुकिंग आना, फिर निफ्टी में कहीं ना कहीं गिरावट होना, उसके बाद नितिन गडकरी जी का ये एक स्टेटमेंट कि 10% डीजल पे गाड़ी पे टैक्स आएगा, उसके बाद नितिन गडकरी जी ने अपना स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्लियर करा, सफाई दी कि भैया ये बात तो है बट ऐसा नहीं है कि अभी से ही हम करने जा रहे हैं, टाइम लगेगा इसमें बट करेंगे, आगे कर सकते हैं, ये अनाउंसमेंट आई। और ये सारी चीजें आज बाजार को गिराने का काम करते हुए दिखी हैं। अब एक एक करके अगर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूं तो अदानी पावर लगभग 11 रुपए नीचे है और नीचे से देखें तो लगभग 14 रुपए की रिकवरी आ गई है, तो रिकवरी भी शार्प आई है। अदानी विलमार की बात की जाए तो 8-9 रुपए नीचे दिख रहा है आपको, अदानी टोटल गैस 12 रुपए नीचे दिख रहा है आपको, अदानी पोर्ट्स 23-24 रुपए नीचे दिख रहा है, अदानी ग्रीन यहाँ पे बड़ी गिरावट, अदानी एंटरप्राइजेस में बड़ी गिरावट है थोड़ी सी, 3-4% है, ऑलमोस्ट 3-4% के करीब ही सारे गिरे हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में भी 2.5% की गिरावट है, 1.5% की सॉरी गिरावट देखने को मिल रही है। अब ऐसे में निवेशकों का सवाल है क्या करें क्या ना करें। देखिए आज 12th हो गई है, 15th को आपके लिए सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग है, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, जहां पे देखते हैं क्या फैसला निकलेगा या तारीख निकलेगी अगर एक और बार, जो भी होगा मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। बट इस बीच में निवेशक क्या करें, बने रहो आराम से, चुपचाप बैठे रहो इन अदानी ग्रुप। मैंने आपसे क्या कहा, अच्छी खबर आएगी शेयर्स भागेंगे, खुश होना है नहीं होना, खराब खबर आएगी शेयर टूटेंगे, दुखी होना है नहीं होना, लिमिटेड लेना है और लेके टाइम देना है, 3 महीने 6 महीने 9 महीने का समय देना है बस, ये सब चलता रहेगा। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, FIIs खरीद रहे हैं, प्रमोटर्स ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं। नेगेटिव क्या है,
ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेबी की जांच या हिंडन बग के एलिगेशंस या ओसीसीआरपी की रिपोर्ट, ये सब चलता रहेगा। अदानी ग्रुप की तरफ से सफाई आना, ये सब चलता रहेगा। ये पूरा केस एक बार शॉर्ट हो गए हो, जब तक नहीं हो जाता ना तब तक चलता रहेगा। और ये केस शॉर्ट होने के बावजूद भी क्या पता कोई अलग एक फॉर्म निकल के आके और कुछ एलिगेशन डाल दे, ये चलता रहेगा। अदानी ग्रुप इस समय इन खबरों में रहने वाला है, तो आपको इन सबसे ऊपर आना होगा, अपनी पोजीशन को मेंटेन करना होगा लिमिट से। ऐसा नहीं होना चाहिए पूरी पोर्टफोलियो अदानी से भर गई है, ये नहीं होगा तो आप परेशानी रहोगे। तो डिसिप्लिन लाइए अपनी इन्वेस्टमेंट में, अपनी पोर्टफोलियो में, और तभी होल्ड कर पाओगे इन स्टॉक्स को। टाइम दीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो है। और फ्रेश एंट्री के लिए इस समय मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा है स्टॉक। अदानी एंटरप्राइज थोड़ा अच्छा लगता है बट वो भी अभी बढ़ा हुआ है, तो कोई और डिप आती है तो डेफिनेटली वहां देख सकते हैं। अदानी पावर प्रेफर्ड पिक है बट वो काफी बढ़ गया है इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। बाकी हमने 250 रुपए पे आपके साथ शेयर किया था, स्टॉक 400 रुपए के लक्ष्य थे, डन हो चुके हैं। और भी ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जाएगा, बट एक कैपिटल लगाने के लिए रिस्क थोड़ी हाई है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद आना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।